हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये क्लिप है 14 तारीख की, शायद गुरुवार का, जब अमावस का दिन था तो मंदिर आई थी मैं, वहीं का थोड़ा सा क्लिप ली हूँ। तो गुरुवार को मंदिर में अमावस मनाया गया था और मैं की थी शुक्रवार को। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग शुक्रवार की। तो आज मैं अमावस्या कर रही हूँ, आज है सतयुग की अमावस्या, भादी अमावस हमारे में मानते हैं, पूजा करते हैं। और ये बिंदी जो है ना, ये कल मंदिर में मुझे मिली थी, जो इस तरीके की आती है डब्बी में, तो मैंने सोचा कि आज यही बिंदी लगाती हूँ। तो बस नहा धो के आ गई हूँ और अब ये बिंदी लगा लूँगी मैं। मुझे कब से, मतलब कल से लाई थी ना, तभी से मुझे लग रहा था कि मैं लगाऊँ, तो बस अभी मैं लगा लूँगी। और इस तरीके का बिंदी का डब्बा ना सभी लेडीज़ लोग को दिया गया था, सिर्फ मुझे ही नहीं, सभी लोगों को दिया गया था। तो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ किचन में। तो आज अमावस है तो हमारे में पूजा होती है रानी सती दादी जी की, तो उसके लिए यहाँ पर मीठे चिले बनते हैं आज। तो बस उसी की तैयारी कर ली हूँ। मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसमें चीनी डालकर इसका चिल्ले वाला जो घोल होता है ना, वो बना लूँगी और थोड़ी देर रख दूँगी भीगने के लिए, ताकि चीनी जो है मेल्ट हो जाए। और तब तक मैं तैयारी कर लूँगी यहाँ पर पूजा की। तो यहाँ पर मैंने ना बड़कुल्ला ले लिया है सूखे हुए गोबर का, क्योंकि ताज़ा गोबर तो मिलेगा भी नहीं। और यहाँ से गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले ले रही हूँ और इन दोनों को मिलाकर थोड़ा सा पानी डालकर ना इसका क्या बोलते हैं, इसको लेप बनाऊँगी। तो पाट्टे पर मैं मांडूँगी इस तरीके से गोल गोल राउंड करके, फूल जैसे बनाते हैं। और फूल में जो पत्ती होती है ना, वो 13 बनाऊँगी मैं, 13 पत्ती जैसी बनाऊँगी। तो देखिए, इस तरीके से बनाऊंगी और बन गया है, इसको सूखने के लिए रख दूंगी। तो फिर से आ गई हूँ किचन में। तो वैसे तो मैंने सुबह क्लीन कर ही लिया था किचन, तो मीठे चिल्ले बनाऊंगी ना, इसलिए एक बार फिर से कपड़ा फेर ले रही हूँ, क्योंकि मतलब भोग लगेगा चिल्ले का, इसीलिए एक बार गैस वगैरह को जो है मैं एक बार कपड़ा फेर ले रही हूँ। अब इसके बाद बनाऊँगी चिल्ले। तो यहाँ पर मैं ना मिट्टी का तवा ली हूँ, तो पहले कभी तो मैंने नहीं बनाया है इस पर चिल्ले, फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। रोटी तो मैं बनाई हूँ, रोटी बहुत अच्छे से बन जाती है इस तवे पर, तो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ किस तरीके से बनता है। तो इसी तरीके से चिल्ले बनते हैं। और साइड साइड में ना इस तरीके से, इसमें भी फूल जैसे पत्ती बनाते हैं, वो भी 13, मतलब घुघरे वाला चिल्ला बोलते हैं इसको, तो बस वही बना रही हूँ। तो मतलब बन ही गए थे इस पर चिल्ले, थोड़े से मतलब जल गए थे, आप लोग देख ही सक रहे हैं। तो बस मैंने सारे चिल्ले बना लिए थे और यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने, पाटा पर जो मैंने मांडा था। तो बस इसी तरह से सतिया और छाबड़ी बनाते हैं हमारे में, और धूप दीप और जो चिल्ले में बनाई थी वो चढ़ाते हैं। बस इसी तरीके से जो है ना पूजा होती है। तो मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ पूजा। तो फ्रेंड्स, अब आप मिल रही हूँ आप लोग से, रात में डिनर बना रही हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मालपुआ, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो दोपहर को मैंने दूध में गेहूं के आटे को भिगो कर रख दिया था, जिसमें मैंने सौंफ और गोल मिर्ची जो है ना थोड़ा सा कूट कर डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, मालपुआ बनाना मुझे तो नहीं आता है, आज मेरी दीदी से बात हो रही थी दोपहर में फ़ोन पर, तो उसी ने मुझे बताया कि इस तरीके से बनाओ, एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो मैंने बनाया और परफेक्ट बन भी गए, बहुत ही टेस्टी भी बने थे, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ और हम तो खा चुके थे। तो आज डिनर में मैंने बनाया था खीर, पूड़ा और आलू की सब्ज़ी और कढ़ाई की पूड़ी। तो मालपुआ को हम लोग पूड़ा बोलते हैं, खीर, पूड़ा, आलू की सब्ज़ी और कढ़ाई की पूड़ी बनाई थी मैंने। तो फ्रेंड्स, यह है नेक्स्ट मॉर्निंग, सॉरी नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं है ये, मतलब विश्वकर्मा पूजा के दिन का है। और विश्वकर्मा पूजा में बस केशव अपनी बाइक की जो है पूजा कर ले रहा है, मैं बता दे रही हूँ उसको, और वो अपने ही कर ले रहा है पूजा। और देखिए, बाइक की पूजा भी हो गई है। और फिर मैं आ गई थी किचन में अपना लंच बनाने के लिए, तो ये सब्ज़ी रात को ही लाया था केशव, सुबह मैंने धो कर रख दिया था। अभी पानी इनका सूख गया तो इनको फ्रिज में रखूँगी, और अभी मैं कुंदरी की सब्ज़ी बनाऊँगी, सो मैंने अलग से निकाल लिया है। और एक तरफ दाल चावल भी बनने को रख दिया, तो दाल तो बन गई थी, मैंने कुकर भी उतार दिया गैस से और चावल हो रहे हैं। तब तक मैं कुंदरी कट कर लूँगी, कुंदरी में आलू डालकर बस उसकी भाजा टाइप का, मतलब सूखी वाली सब्जी ही बनाऊँगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अब मिल रही हूँ आप लोग से इवनिंग टाइम में। दियावती मैंने कर लिया है और बस आज शाम को मैं बनाई थी ढोकला नाश्ते के लिए, तो सूजी का ढोकला होता है ना, वही बनाई थी चना दाल डालकर, मतलब साबुत चना दाल डालकर। इसकी रेसिपी आज मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, फिर कभी शेयर करूँगी डिटेल्स में। और बस इनको बनाकर मैंने छौंक दिया और हॉट केस में डालकर रख दूँगी, ताकि थोड़ा गर्म रहे।
और अब बनाऊंगी चाय सभी के लिए। तो चाय के साथ ढोकला खाएंगे सभी कोई, मतलब सॉस और चाय और ढोकला तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में इस तरीके से। तो चलिए बना लेती हूँ चाय। तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, जब तक चाय बनेगी तब तक काउंटर टॉप को भी थोड़ा कपड़ा फेर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ गिर ही जाता है बनाते टाइम। तो बस इसको थोड़ा सा पोछ ली हूँ, साफ़ कर ली हूँ और चाय अपनी बन रही है। जितनी उबलेगी उतनी अच्छी टेस्ट आएगी चाय, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा चाय में। तो बस चाय भी बन ही गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से उबाल आके एकदम से कड़क वाली चाय बन गई है और बस छान लूँगी सभी के लिए चाय, और इसके साथ मैं भी खाऊंगी ढोकला। तो ये ढोकला मैंने 4 बजे ही बनाए थे और चाय के संग खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। ये ढोकला जो होता है सूजी का, दही में भिगो कर रखते हैं सूजी को, उसमें चना दाल भी डाल देते हैं साबुत, और तो सूजी के संग जब सूजी भीगती है ना तो चना दाल भी भीग जाती है, फूल जाती है। फिर इसको इडली जैसे सांचे में मैंने बना लिया था, कट करके फिर छौंक लगा दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लेके बैठ गई हूँ चाय सॉस और ढोकला, तो आ जाइए आप लोग भी। और इसी के साथ ही करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू हो गए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।